दिखाओ हरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हरी मुरवा को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाना था और मैं इनको तैयार कर रही हूँ। ये हरीम ने उर्वा ने फ्रॉक पहन लिया है और इसने पूनिया भी बना ली। और उर्वा वैसे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में खुश रहती है और हरीम भी माशाल्लाह तैयार हो गई है। तो हम जा रहे हैं कॉलेज रोड, ये पिंडी में कॉलेज रोड है, वहाँ के वहाँ का फूड बहुत अच्छा है, फूड के मामले में मशहूर है। और मेरी दोनों बेटियाँ तैयार हो गई हैं और शोर आ रहे हैं, तो हम थोड़ी देर में निकलते हैं। तो हम लोग अपनी मतलूबा जगह पे पहुंच गए। हरी मोरवा सबसे पहले अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये इन्होंने छोटी सी जगह पे बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ था। मुझे फर्स्ट लुक में इनका सेटअप बहुत अच्छा लगा, सफाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और जो सर्विंग इनका सिस्टम था वो भी अच्छा लग रहा था और बाकी भी लुक्स बहुत अच्छी लग रही थी। इन्होंने अपने पूरे रेस्टोरेंट जो था इनका बहुत अच्छी लुक्स दी हुई थी, बहुत अच्छे कलर दिए हुए थे। और फिर हमने मेन्यू कार्ड मंगवाया, तो मुझे तो खानी थी भाई चाट, चना चाट, जो मेरी मोस्ट फेवरेट होती है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ उस जगह की सबसे पहले चना चाट ट्राई करती हूँ, अगर वो पास होगी तो समझो बिल्कुल सब कुछ पास हो गया। तो मुझे चना चाट खानी थी, लेकिन बच्चों को खानी थी आइसक्रीम। तो पहले ही हमने सोचा कि चलो पहले इनको चना चाट खिलाते हैं फिर आइसक्रीम खाएंगे। और जितनी देर में खाना आ रहा था उतनी देर में मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा आपको इसका व्यू दिखा दूँ। सीलिंग का डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एलईडी लाइट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी और दीवारों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कलरफुल से, वो मुझे लगता है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन थे। और हरीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके इधर उधर देख रही थी भाई, और बता रही थी मम्मा ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है। इतनी देर में हमारी चाट आ गई और मुझे तो मतलब सर्विंग, मैंने आपको बताया था कि मैंने जब आते ही देखा था तो मुझे अच्छा लगा और मुझे अच्छा लग रहा था। और देखने में जितनी टेस्टी थी खाने में उससे डबल टेस्टी थी, बहुत ज़बरदस्त। और बच्चों ने खुशी से खाई क्योंकि इसमें उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा स्पाइस नहीं रखा हुआ था, लेकिन जितना मैंने डाल के देना था बच्चों को थोड़ा सा वो मैंने खुद डाल के दिया, तो बच्चों ने खुशी से खाई चना चाट। हरीम को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है चना चाट जितनी उर्वा को ज़्यादा पसंद है, उर्वा बहुत ज़्यादा शौक से ऐसी स्पाइसी चीज़ें खाती है। फिर आ गई आइसक्रीम, और जहाँ पे आइसक्रीम हो तो वहाँ बच्चे तो फिर किसी को पूछते ही नहीं हैं। तकरीबन मुझे लगता है तमाम बच्चों की मोस्ट फेवरेट चीज़ आइसक्रीम ही होती है, और हरीम तो अपनी आइसक्रीम में से किसी को एक बाइट नहीं लेने देती, क्योंकि ये इस मामले में ना बहुत ज़्यादा वो सीली है कि मेरी चीज़ कोई ना ले। फिर बस रात हो गई और हम लोग फिर वापस आ गए, बच्चों के लिए भी थोड़े फ्रूट लिए और घर आ गए। और ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुक्रिया।